शादी के समय कौन से सात वचन कन्या अपने पति को देती है? विवाह में सप्तपदी का बड़ा महत्व बताया गया है। यह बात से ही साबित हो जाता है कि बदलते दौर में विवाह के कई रीति रिवाज बदल गए या पीछे छूट गए, लेकिन फेरे लेने की परंपरा बनी हुई है। भारतीय परिवेश में विवाह को महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। वर्तमान परिवेश में विवाह से जुड़े मायने और रीति रिवाज में भी परिवर्तन आना आरम्भ हो गया है। सप्तपदी यानी सात फेरे लेने की परम्परा आज भी निभाई जाती है। अग्नि के साथ फेरे लेकर सात वचनों के साथ दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। इन वचनों पर पति पत्नी का जीवन भर का साथ जुड़ा रहता है। कन्या के लिए यह पहला वचन। सप्तपदी के दरमियान कन्या पति को सात वचन देती है। इनमें सबसे पहला वचन होता है तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि। यदि आप मुझे साथ लेकर करें तो मैं आपके वामांग में रहूंगी। कन्या का दूसरा वचन। मैं आपके बालक से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी कुटुंबी जनों का पालन करूंगी। मुझे निर्वाह में जो मिलेगा उससे संतुष्ट रहूंगी। कन्या का तीसरा वचन। मैं प्रतिदिन तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर मीठा अन्न और व्यंजन तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कन्या का चौथा वचन। मैं स्वच्छता पूर्वक सभी श्रृंगार रूप को धारण कर मन वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा आपके साथ क्रीड़ा कर उनकी। कन्या का पांचवा वचन। दुख में धीरज रखने वाली और सुख में प्रसन्न होने वाली मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी बनूंगी। मैं कदापि पर पुरुष का संग नहीं करूंगी। मैं हमेशा सुख दुख में आपका साथ दूंगी। कन्या का छठा वचन। मैं आपके सभी काम सुखपूर्वक करूंगी। सास ससुर की सेवा और दूसरे संबंधियों का सत्कार करूंगी। आप जहां रहेंगे वहां रहूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं ठगूंगी और न उनके द्वारा ठगी जाऊंगी। कन्या का सातवां वचन। सातवें यानी कि अंतिम फेरे में कन्या अपने पति को वचन देती है कि मैं धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों में मैं आपकी इच्छा के ही अधीन रहूंगी। यहाँ ये अग्निदेव ब्राह्मण और आप सभी परिजनों के सामने मेरे पति बने हो। मैं यह तन आपको अर्पण करती हूँ।